अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? होप आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो, जो आज तक मैंने पर्सनली खुद तो कहीं नहीं देखी। आपने देखी होगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन आजकल मैंने देखा है फेसबुक वगैरह पे बहुत सारा मतलब लोग पूछ रहे होते हैं कि हमारे मोल्स जो हैं वो फट गए हैं, स्क्रैचेज हो गए हैं और उनमें काम नहीं हो पा रहा ठीक से, ठीक है, और उसमें से रेजिन रह जा रहा है। तो उसके लिए मेरे दिमाग में ना एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आया था, जो मैं खुद पहले पर्सनली घर में किया करती थी, लेकिन आजकल पोल्स कुछ ज़्यादा हो रही है तो मैं उनको शेयर किया करती थी, लेकिन बताने से ज़्यादा फिजिकली करके दिखाने में समझ आती है। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना लूँ जो कि मैं रिकॉर्ड करती हूँ, ताकि जिसको भी देखनी हो वो देख ले, जिसको समझ ना आ रही हो बताने से उसको भी समझ आ जाए, ठीक है। तो मेरे पास एक्चुअली कुछ ज़्यादा मोल्स हैं नहीं जो फटे हुए हों या फिर कुछ हों, और मैं अपने न्यू मोल खराब करना नहीं चाहती थी, लेकिन ये एक मोल था जो कि ऑलरेडी मेरा यहाँ से खराब हो चुका था, इसको मैंने बनाया था। तो इसी को मैंने दोबारा से जो है वो, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो तो ये दो जगह से मैंने इसको स्पेशली वीडियो के लिए खराब किया है, ताकि आप लोगों को नजर आ सके कि मैं इसको किस तरह जोड़ती हूँ। और ये कुछ मेरे हैंडमेड मोल्ड्स हैं जो मैं खुद बनाती हूँ, तो इनमें मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि किस तरह आपने टीयर मोल्ड्स को जो है वो ठीक करना है। 100% होगा या नहीं होगा वो आपके बनाने पर डिपेंड करता है, लेकिन फेंकना नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है सिलिकॉन सीलेंट, ये ट्यूब्स में भी आती है, ये इस तरह की बोटल में भी आती है, कहीं से भी आपको हार्डवेयर शॉप से ईजिली मिल जाएगी, और इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं मोल्ड मेकिंग के लिए भी और मोल्ड को जो है वो रिपेयर करने के लिए भी, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए गन आती है, जो यहाँ से इसको प्रेस करती है तो वो निकलती है, लेकिन मेरे पास वो नहीं है तो मैं देसी जुगाड़ लगाती हूँ, घर में कोई भी स्पून वगैरह है तो इससे पुश करेंगे वो निकल आएगी, ठीक है। तो इनको ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए वाटर, पानी वार्म हो गर्म हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर नहीं है आपको जल्दी है तो जो है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चाहिए हमें डिश सोप, डिश सोप नहीं है तो इसकी जगह आप कोई भी इस तरह का वॉश यूज़ कर सकते हैं, बॉडी वॉश हो लेकिन जेल कंसिस्टेंसी हो और उसका जो है ना हाई इफेक्टिव हो, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको डिश वॉश को पानी में डालूंगी और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें जो है वो सिलिकॉन ऐड करेंगे, और जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से ऐड करना। आपका मोल्ड बड़ा है, बहुत ज़्यादा फट गया है तो उसको ज़्यादा रिक्वायर होगा, छोटे से हैं छोटे से होते तो थोड़ा सा रिक्वायर होगा, और सिलिकॉन ऐसे हमें मतलब नहीं चाहिए, हमें उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए, देन हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे, यूज़ करेंगे बनाने में, ठीक है। और बेटर है कि आप कोई चीज़ ले लो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने ली है कॉफ़ी। इसके बैक पे मैं थोड़ा सा सिलिकॉन निकालूंगी एज आई नीड इट, क्योंकि मेरा मोल्ड बहुत थोड़ी जगह से फटा है। तो ये देखिए इतना सा मैंने निकाला है सिलिकॉन, आप चाहें तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी डायरेक्ट ना करें, उससे क्या होगा वो लंप बन जाएगा, लंपी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सिलिकॉन इसमें डाल रही हूँ पानी में, अब मैं इसको थोड़ी देर मिक्स करूँगी जिससे कि इसकी स्टिफनेस खत्म हो जाए, देन मैं थोड़ा सा सिलिकॉन लूँगी हाथ पे, और ये पानी में आपने हाथ डिप करते रहना, इस पानी से क्या होगा कि सिलिकॉन आपके हाथों पर चिपकेगा नहीं, मैस क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। हाथों को अच्छे से पानी से कवर कर लें, देन ये मैंने मोड़ लिया, ये मेरा मोल्ड टीयर है, देखिए। अब हम इसको और पिछली साइड से प्रेस करके रखना है ताकि वो अलग ना हो जाए, होप आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा हो, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है रिकॉर्डिंग की, क्या करूँ। ये इस तरह से बिल्कुल हल्की सी लेयर आपने जो है वो इसमें लगानी है, बिल्कुल हल्की सी, लंप नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल स्मूथली आपने इसको करना है, जिस तरह आप किसी भी चीज़ पे ऑयल लगाते हो ना, बिल्कुल उसी तरह इसकी क्रैक में आपने इसको स्मूथली पेस्ट करना है, ठीक है। स्मूथली पेस्ट करना है, ये देखें इस तरह, और इसके सर्फेस को इन गीले हाथों से ही आपने स्मूथ कर लेना है, जितना मोल्ड आपका है उस हिसाब से आपने इसको स्मूथ करते रहना है। अब देखिए ये टीयर जो है ना वो ऑलमोस्ट फिल हो गया है, अगर आपका मोल्ड छोटा है तो आप उसको इनसाइड से भी कर सकती हैं, लेकिन मैं इनसाइड से प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आप इनसाइड से करेंगे तो अगर थोड़ा इधर उधर हो गया तो मसला हो जाएगा। अब जो टीयर वाली लाइन है वो रहेगी मोल्ड में अंदर से, जब आप इसमें पॉर करोगे निकालोगे तो मे भी वो निशान जो है वो आए, सॉरी वीडियो ब्लर हो गई है जी। तो मैं बता रही थी कि आपने इनसाइड में नहीं करना, क्योंकि इनसाइड करेंगे तो आपसे हो सकता है ख़राब हो जाए, थोड़ी सी लाइन आएगी वो बाद में हम उसको रेजिन से, जो आर्टिस्ट हैं वो समझ सकते हैं किस तरह हम इसको रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब मैं दोबारा लूँगी ये जो है, ये रेजिन ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, सॉरी सिलिकॉन, तो आपने इसको बहुत एहतियात से बहुत स्मूथली इसको अप्लाई करना है, ठीक है। और ये जो सिलिकॉन है वो सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। अगर ये एक बार सिलिकॉन सिलिकॉन से चिपक गया तो वो परमानेंटली ही चिपक जाएगा, वो नहीं निकलेगा। ये टेक्निक आप किसी भी सिलिकॉन की चीज़ पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली मोल्ड्स वगैरह पे अगर टीयर हो जाते हैं तो इसको इस तरह से बिल्कुल स्मूथ कर लेना है लेयर बना के, ठीक है। अब ये हल्की सी लेयर हमारी इसके ऊपर हो गई है, अब हमने इसको ड्राई होने के लिए रख देना है जी। तो आपने देखा मैंने किस तरह इसको बनाया, ठीक है। अब ये ड्राई होने में तकरीबन 4-5 घंटे लेगा, मैं उसके बाद रिकॉर्ड करूँ तो मुझे वो मतलब नहीं कन्वीनियंट होगा, अगर हो सकता तो मैं वो कर देती। इसको आपने रिकॉर्ड मतलब छोड़ देना है, और ये इसको इसी तरह ड्राई होने के लिए छोड़ दें, और जितनी कोशिश हो सके स्मूथ कर लें इसको, ताकि बाद में आपको ना रखने में इधर उधर होने में प्रॉब्लम ना हो, एंड देन इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें आप, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 1/2 घंटे में ड्राई हो जाएगा। अगर ड्राई होने के बाद आपको लगता है ये लेयर बहुत पतली है फिर भी इसमें से निकल जाएगा, तो आप इसी के ऊपर ड्राई होने के बाद एक और लेयर कर दीजिएगा। और स्पेशली जो है लेटर वाले मोल्ड आते हैं, ठीक है, इनके यहाँ से टीयर हो जाना, यहाँ से टीयर हो जाना, ये बहुत नॉर्मल है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक यही मतलब सजेस्ट करूँगी कि आप इसी तरह उसको बनाएं, लेकिन किस तरह से वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास सॉरी वो वाला मोल्ड नहीं है, लेकिन मैं इस मोल्ड पर ही आपको आइडिया दे सकती हूँ, बाकी आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं थोड़ा सा सिलिकॉन लूँगी, थोड़ा सा, क्योंकि जितना आप सिलिकॉन ज़्यादा लेंगे उतना लंपी हो जाएगा और फिर आपका जो शेप है वो ख़राब हो जाएगा। मैं 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ इसमें से बहुत, आप देखें ये है, अगर आपका इनसाइड से फट गया है और फिर उसको ठीक करना है तो उसके लिए भी आप यही कर सकते हो। आपने थोड़ा सा सिलिकॉन लिया, देन आपने उसको इस तरह लगाना है और स्मूथ कर लेना है, ठीक है।
बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। अगर आपके पास वो ग्लव्स हैं जो आप प्रेजेंट में यूज़ करते हैं ताकि फिंगरप्रिंट्स ना आए, तो आप वो बेटर यूज़ कर लें। लेकिन इसके बाद ये देखें, ये इस तरह से हो गया। अब इस वाले के लिए आपने क्या करना है, अगर आपको इनसाइड से फट गया है तो आपने रेजिन इनसाइड लगाना है इस तरह से, सिलिकॉन, सॉरी मैं बार बार रेजिन बोल रही हूँ, सिलिकॉन आपने इस तरह से लगाना है और उसको बिल्कुल स्मूथ कर लेना है। और याद रखिएगा, अगर आपका मोल्ड एक जगह से फटा है तो आपने सिर्फ उस पार्ट पे सिलिकॉन नहीं लगाना है, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आपका वो पार्ट अलग सेपरेट हो जाएगा। तो आपने पहले उस होल को बंद कर लेना है। अब जैसे अगर मेरे यहाँ पर होल है तो मैं उसको होल को पहले इससे बंद करूँगी, देन मैं अगेन थोड़ा सा डैप करके पूरी लाइन पे इसको स्मूथ कर लूँगी, ताकि जो पूरा हिस्सा है ना वो एक जैसा हो जाए। ठीक है, अब इसको पूरी लाइन को हमने स्मूथ कर देना है इस तरह से। और अगर वो बाहर से फटा है तो बाहर भी आपने ऐसे ही करना है, आपने सिलिकॉन लेना है, उसको लगाना है, देन उसको स्मूथली रब करके स्मूथ कर लेना है। ठीक है, ये इस तरह से, आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा हो। ये देखें, अब ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। इनफैक्ट मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी आप लोगों के सामने ही इस मोल्ड को जो है वो काट के आप लोगों को आइडिया दे देती हूँ कि किस तरह वर्क करेगा। जी, तो मैं छुरी ले आई हूँ और अब हम इस मोल्ड बेचारे का मर्डर करने लगे हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से पकड़ के आप लोगों के सामने ही इसको काट रही हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने इसको इतने तक काट लिया है, थोड़ा और काट लेते हैं। ये देखो मैंने इसको आधे से ही काट लिया है। ठीक है, अब हम इसको फिक्स करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। मैं आपको इसी तरह काम के फॉर्मूले ला के बताती भी रहूँगी और आपको पता चल जाएगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं मुझे ये सब कैसे पता, मैं बता दूँ, मैं सिर्फ जुगाड़ू हूँ, मुझे कुछ भी करने का शौक है तो मैं कुछ भी करती रहती हूँ और लोगों के काम आती रहती हूँ। देखो ये इस तरह से फट चुका है। ठीक है, अब इसको रिपेयर करने के लिए हम लेंगे थोड़ा सा सिलिकॉन, इसके बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे एज अ ग्लू। ठीक है, क्योंकि ये हाफ ही बिल्कुल कर दिया था हमने। ये देखो इस तरह से। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर सिलिकॉन लगाना है इस तरह से। कोशिश करना जहाँ से फटा है वो एग्जैक्ट उसी जगह पे चिपके, क्योंकि ये एक बार चिपक गया तो ये ग्लू नहीं है कि निकल जाए, चिपक गया तो चिपक गया, फिर नहीं सेट होगा। ठीक है, ये देखो ये मैंने इसके बैक पे लगाया और स्मूथ कर दिया। ये वाइट है तो कैमरा में इतना क्लियर नज़र नहीं आते, कलरफुल होता तो नज़र आ जाता। ये देखो ये मैंने इसको स्मूथ कर लिया, बिल्कुल स्मूथ सा। ठीक है, अब देखो ये इनसाइड है, और क्योंकि ये मोल्ड छोटा है और ये मोल्ड मेरे हाथ में है इसको ठीक करना, तो मैं इसके इनसाइड में भी जो लाइन है वहाँ पर इसको सिलिकॉन को लगा के और इस पूरे में इसको फिल कर लूँगी। ये हो गया डन, अब हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और ये जो मोल्ड है ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें जो टीयर था वो परमानेंट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये देखो ये सिर्फ एक साइड से, दूसरी साइड से नज़र नहीं आ रहा। अब हमने इस साइड को भी उसकी तरह बिल्कुल स्मूथ कर लेना है अगर आप लोग चाहते हैं तो, नहीं तो आप इसको इसी तरह रहने दें। ये जो थोड़ा सा डेंट उसमें रेजन में आ जाएगा उसका इतना इशू नहीं होता, लेकिन ये इस साइड से चिपक गया। अब इसको ऊपर से आप अगर लेयर करोगे, इनफैक्ट मैं आपको करके ही बता देती हूँ। ये देखो मैंने अगेन सिलिकॉन लिया, अब मैं इसको इसी तरह इस पर लगाऊंगी जिससे कि ये दोबारा ओपन ना हो। हमने इनसाइड भी लगाना है और मैं एक बात और क्लियर कर लूँ कि ये तरीका छोटे मोल्ड्स के लिए बेस्ट है, जैसा कि मैंने बताया। बड़े मोल्ड्स के लिए आई डोंट नो काम करेगा नहीं करेगा या फिर किस तरह करेगा, और बड़े मोल्ड्स के लिए आपको बड़े पूरे मोल्ड में ही लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जितना अच्छे से लगाएंगे उतना अच्छे से वो जुड़ेगा। ठीक है, मैंने इसको लगा लिया है, अब हम इसको ड्राई होने देंगे और मैं आपसे मिलूंगी कल। तो जी देखिए ये हमारे मोल्ड्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, और ये देखिए इसका होल प्रॉपर बंद हो चुका है, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए वो जो मोल्ड हमारा फटा हुआ था, आर पार था, अब वो बंद हो चुका है। ठीक है, देख लो आप अच्छे से देख लो अगर आपको, और ये सेम वही है, देखो ये वही मैंने जिसको जोड़ा था, और इसीलिए मैंने इसका ये वाला यहाँ से कट बंद नहीं किया, ताकि अगर इन केस किसी को लगे कि नहीं ये वीडियो फेक है या फिर कुछ है, तो उसके लिए मैंने ये वाला कट इसका बंद नहीं किया था। और ये है सिलिकॉन। ठीक है, और ये आई होप आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा हो कि जो हमने कट लगाया था वो अब टोटली बंद हो चुका है। तो अब ये मोल्ड 100% यूजेबल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है आपकी कारीगरी पर कि आप किस तरह के कारीगर हो और इसको किस तरह परफेक्शन में यूज़ करके परफेक्शन में बना सकते हो। ठीक है, अगर आपने इसको परफेक्टली बना लिया फिर तो कोई मसला ही नहीं है, आप इसको रेगुलर यूज़ करते रहो। लेकिन अगर आपने इसको परफेक्टली नहीं बनाया तो भी ये मोल्ड आपका यूज़ में रहेगा, किसी किसी यूज़ में आ जाएगा, फेंकना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, ये मेरी गारंटी है। और ये सिलिकॉन अब इसमें इतना चिपक गया है, अब आप कुछ भी करो ये नहीं उतरेगा, ये देखो। ठीक है,
ये नहीं उतरेगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से मोटी लेयर में लगा के अच्छे से पैक कर देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा ना निकलेगा। मैं इसको पूरा जोर लगा के खींच रही हूँ, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा, लेकिन ये अभी भी नहीं फटा। देखो ये हमने लगाया था, ये देख लो आप, ठीक है, इसमें मैंने लगाया था, ये देखो ये वही सेम मोल्ड्स हैं और नहीं फटते। ये तो हमने देखा होगा आपने, बिल्कुल आर पार कर दिया था। अब देखो लाइन जरूर दिख रही है, लेकिन वो जो फटा हुआ था, वो जो बिल्कुल ही मतलब आर पार था, वो नहीं है इसमें। वी कैन चेक इट ऑल्सो, ये देखो, ये देखो मैंने हाथ पे रखा, बट ये है कि ये जुड़ गया। ठीक है, देखो अच्छे से जुड़ गया। अब आप इनको यूज कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो ये आपके मोल्ड्स फिक्स हो गए हैं। इस टेक्निक से आप जो है वो मोल्ड बना सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं घर पे बैठे ही। आपको मोल्ड फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।